जरूर देखना। इसमें भी हम बिना किसी सूत्र बिना किसी किताबी ज्ञान को आपको परसेंटेज निकालना बता रहे हैं। देखो इसमें क्या है बच्चा लोग, 250 का 6% निकालना है। क्या करना है, 250 का 6%। अब हमें क्या करना है, हमें ये नहीं पता कि ये 250 वाला मतलब क्या है, हमें इतना पता है कि 6% का मतलब है 100 में से 6 रुपया, है ना, बस इतना ही पता है। तो हम क्या करेंगे, इनको 100 के रूप में तोड़ेंगे, 100 धन 100 और धन क्या लिखेंगे 50। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, 250 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। इसमें तो हम कोई सूत्र कोई मैथ का जादू नहीं लगा रहे हैं। हाँ, तो 6% का मतलब हम जानते हैं कि 100 पर 6% का मतलब 6 रुपया, तो इस पर भी कितना 6 रुपया। तो बच्चा लोग आप ये भी जानते हो कि जो 100 है उसी का छोटा बेटा 50 भी है, उसका आधा रहता है ना। तो अगर इसका 6 है तो ये क्या होगा, 3 रुपया होगा, आधा ही होगा ना। तो यानी इसका टोटल फाइनल में मान कितना हो जाएगा, 6 6 12 3 कितना हो जाएगा, 18 रुपया। समझ गए ना, यानी कि 250 का 6% कितना होगा, 18 होगा, बिना किसी सूत्र के मैंने निकाल दिया। अब मैं तरीका बताता हूँ मैथ वाला जिससे इसको वास्तव में किया जाता है, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी गिनती आएगी तो आप ऐसे इसको 100 100 में तोड़ोगे तो आपको लोग बुद्धू और पागल और दीवाना सब बोलेंगे, है ना। तो देखो इधर साइड में कैसे होता है, 250 का क्या करना है, 6%। देखो यार इसमें क्या करते हैं ना, 250 का मतलब होता गुणा का चिन्ह लगाओगे 6, और परसेंटेज का चिन्ह जब हटाते हैं तो हमेशा 100 से भाग लगा देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये 100 से भाग कर देंगे, बस इसी को हल कर लो, आ जाएगा 18। अगर सही है तो, नहीं सही है तो कुछ और आएगा, फिर ये गलत है, लेकिन सही जो भी है आएगा वही एक ही उत्तर आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, हाँ, दो से काट दो, 2 3 6, 2 से इसको काट दो, 2 5 10, 5 से ऊपर वाला काट दो, 5 25, हाँ सही बात है। देखो 5 3 15 आया ना बच्चा लोग, 15 आया ना, यानी जो मैंने पहले जोड़ा था वो गलत जोड़ा था, कितना आया 15 ना। देखो सब ठीक है, कहीं कुछ गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है जो कि उसके लिए सॉरी, आप लोग भी देखा करो। 6 6 12 3 15 कितना होगा, 15 होगा ना, यहाँ पे मैंने 18 लिखा था, ये मिस्टेक था। यानी दोनों तरीका लगाने से आपको हकीकत पता चल गई ना, कैसे क्या हुआ मालूम हो गया ना, कितना आया 15। यानी इस तरह से आप कर सकते हो, दोनों रूल में वही एक ही आंसर आना चाहिए, अलग अलग नहीं आएगा। हाँ अलग अलग बिल्कुल नहीं आएगा, ये मत टेंशन लेना कि अलग हो जाएगा, वहाँ कुछ और आएगा, दोनों में एक ही आएगा। लेकिन क्लास को पूरा एंड तक देखना, देखो इंसान हम भी हैं, इंसान आप भी हैं, थोड़ी बहुत त्रुटि सबसे हो जाती है। अगर आपको कहीं भी थोड़ी त्रुटि नज़र आती है तो आप हमें ज़रूर सूचित करें, लेकिन हमारी क्लास में कोशिश ये रहती है कि एकदम त्रुटि कहीं भी गलत कुछ भी ना हो। देखो कहीं अगर थोड़ा सा होता है तो आप 2 मिनट आगे देखोगे तो कहीं ना कहीं उसका पकड़ मिल जाता है ना। तो 300 का 10% आप निकाल के बताना, ये तरीका भी लगा लेना, ये तरीका और ये तरीका भी निकाल के बता देना, इसका भी बता देना, कमेंट करना अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, बड़े प्यारे सवाल हैं, बस आप इनको देखते जाओ ऐसे।